क्योंकि इसके पाँव सूजे हुए हैं। आराम आराम से करेगी ना फिर इसकी आदत बनेगी। तमन्ना और मोना को मैंने कहा है कि जल्दी से ना बर्तन ले। ये वाले जार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत बहुत पहले मैं ये लेकर आई थी, बस ये फिर पड़ी हुई। ये देखो कौन आ गया आपके पास। तो खैर बाद में फिर अपने तरीके से मैं किचन को और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करूं। अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब। इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के व्लॉग में मैं क्या कुछ आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। मलाक को मैंने नहला दिया था नहाने के बाद, यहाँ पर ये खेलती रही है काफी टाइम हानिया के मार्कर के साथ और अभी यहाँ पर ये सो गई है। यहाँ पे क्रॉलिंग ज्यादा करे ना तो इसके पाँव पे ऐसे निशान पड़ गए दोनों पाँव पे। फ्रिज का ना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है फिलहाल हमारे लिए, तो अभी हमने बस इसको यहाँ पर रख दिया है। ना तो ये किचन के अंदर जा रही क्योंकि दरवाजा जो है ना वो छोटा है और फ्रिज बड़ी है। और किस तरीके से रात हमने इसको साफ किया वॉश किया ना बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम वॉशिंग एरिया के पास लेकर गए कि इसको अंदर डालेंगे साफ करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं अंदर वहां पर भी नहीं क्योंकि दरवाजे छोटे छोटे हैं। बहुत मुश्किल से हमने इसको साफ किया, उधर उस साइड पर लेकर गए धोया, यहाँ से लेकर आए इसको। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी बेहतर हालत में है, बहुत ही ज्यादा अभी जो है ना ये साफ सुथरी लग रही है माशाल्लाह। तो इसकी जो चीजें हैं बाकी अभी वो भी मैं सेट करती हूँ। फिलहाल जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो जा रहे थे काम पे, तो मैंने उन्हें कहा कि जल्दी से ना इसका बस स्विच लगा दें क्योंकि रात हम घर से कुछ ग्रोसरी लेकर आए थे जैसे हरी मिर्ची होगी टमाटर हो गए तो वो मुझे इसमें रखनी है, लेमन हो गई क्योंकि वो बाहर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। मोना और तमन्ना ने रात को इस रूम में मैट्रेस लगाए थे तो यहाँ पर ये दोनों सोई थी, बाकी हानिया और मुस्तफा हमारे साथ इस रूम में सोए थे। इस रूम में तकरीबन हमने तीन से कोई चार मैट्रेस लगा दिए तो सारे यहाँ पर सो गए थे। अपने लिए चाय बना ली है और यहाँ पर सारा सामान रख दिया फ्रिज का। और मलाक भी उठ गई है नींद से। उठ गई हो आप? तो पहले मैं मलाक के साथ बैठ के ना यहाँ पे चाय पीती हूँ जब तक ये भी थोड़ी सी फ्रेश हो जाए क्योंकि अभी अभी ये नींद से उठ गई है, ज्यादा देर सोई नहीं है। मैंने कहा था ये नहा के ना ज्यादा देर सोएगी। जाना है अपने वॉकर में तो मैंने इसे डालो वॉकर में। जाओ सो ही नहीं है बिल्कुल, हालांकि मैं सोच रही थी कि काफी टाइम तक ना ये सो जाएगी। सर्दियों में लोग ज्यादा देर सोते हैं, ये 5 मिनट सो के उठ जाती है। 5 मिनट तो नहीं सोए, ऐसे 15 से 20 मिनट ऐसे सोई है। ये देखो इसके घुटने कैसे हो गए हैं और पाँव इसके, इसलिए मैं कह रही थी वॉकर में डालो। क्रॉलिंग कर करके ना बेचारी वहाँ से उस रूम से यहाँ तक आती, बड़ी जगह है ना, है ना, वहाँ पर तो 2 कदम उठाती थी और बस रूम ही खत्म हो जाता था, है ना। थक जाता है मेरा बच्चा क्रॉलिंग कर करके, ये इसकी मेहनत की निशानी है देखो। तो इसलिए जब रात हम सामान लेने गए थे तो मैंने आपके पापा का मैंने कहा इसके वॉकर साथ लेकर चलते हैं क्योंकि इसके पाँव सूजे हुए हैं। आराम आराम से करेगी ना फिर इसकी आदत बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी अब इतना जल्दी। क्या देख रही हूँ मैं दोस्तों, मोना का हो रहा है यहाँ पर नाश्ता और नाश्ते में मोना ने बनाए हैं आज अंडे। यहाँ पे मैं फ्रिज के पार्ट्स को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई कहाँ का था कोई कहाँ का था, बिल्कुल भी सेम हमारे जैसे घर की फ्रिज थी उस जैसा नहीं था। तो यहाँ पर मैंने मोना को बुलाया, मोना आप आ जाओ मेरी हेल्प करवाओ, कि जैसे हम घर का जो हमारा फ्रिज था पुराना वाला तो वो काफी उसमें ईजी रह जाता, जैसे मैं लगाती थी तो वहाँ पर लग जाते थे जितने भी पार्ट्स होते थे। यहाँ पे मुझे बहुत मसला हो रहा था तो खैर आखिरकार हमने लगा ही लिए जैसे कैसे, एक फिर भी बच गया था तो एक मैं एक पता नहीं दो बच गए थे तो वो मैंने रख दिए थे कि जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो हमें सेट करके दे देंगे। तमन्ना और मोना को मैंने कहा है कि जल्दी से ना बर्तन लेकर आओ और मेरे साथ किचन में सेट करवाओ। तो बस अभी नाश्ता करने के बाद मैं तमन्ना और मोना लग गए, अभी हम किचन में बर्तन सेट कर रहे हैं। सारा घर का जितना भी सामान है ना, जो फर्स्ट वाले जो रूम है दो वहाँ पे वो अभी तक मैंने आप सबको नहीं दिखाया, तो वहाँ पर एक में ना हमने सारा सामान जमा करके रख दिया है, यानी अभी तक पूरा सामान आया नहीं है घर से लेकिन आराम आराम से आ रहा है। तो ये बर्तन वगैरह वहीं पर है, वहीं से अब ये तमन्ना मोना और मैं सब वहाँ से कार्टन लेकर यहाँ पर रख रहे हैं कि आराम आराम से अभी हम बर्तन सेट करते हैं। और मलाक यहाँ पर बैठे बैठे खेल रही है, देख रही है कि सब क्या कर रहे हैं। क्या देख रही हो आप मलाक को, क्या कर रही हो आप? बच्ची क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के, सेटिंग करवा रही है घर की। यहाँ पे ये वाले बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं, तो अभी कर्टन में मैं देख रही हूँ इसका जो ढक्कन है ना वो मुझे नहीं मिल रहा, ये मैं लेकर आई थी स्पेशल, मैंने कहा ये किचन में रखूंगी। ये वाले जार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत पसंद है मुझे तो इसलिए फिर मैंने नहीं रखे वहाँ पर। इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया, मोना और तमन्ना और मैं हम तीनों लगे हुए हैं, देखते हैं कि कब तक ना हमारे किचन सेट हो जाता है क्योंकि अभी इन कर्टन के अलावा ना और भी तकरीबन कोई कितनी है ज्यादा है ना और भी बहुत ज्यादा है अभी। इसके अलावा ये जो बाहर आई हुई है
ना, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं जो कि दूसरे रूम में अभी तक पड़े हैं, हम निकाल के लेकर नहीं है। मैंने कहा पहले ये वाले बर्तन हम खत्म करते हैं, फिर उसके बाद जाके वो वाले लेकर आएंगे। ये देखिए, ये जो आप अच्छा अकेले लाई थी, मुझे लगा बड़ी बड़ी होंगी लेकिन बहुत छोटी। नहीं, ये छोटी है, बहुत पहले मैं ये लेकर आई थी, बस ये फिर पड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा कि बस ये पड़ी रहे, जब हम अपने नए घर में जाएंगे ना तो फिर वहाँ पर यूज करेंगे। बहुत ही छोटा है, उसके लिए मलाक के लिए। मलाक के लिए, मलाक बेचारी बैठे अंदर आने की कोशिश करिए लेकिन अंदर नहीं आ पा रही इसकी वजह से। नहीं नहीं, अंदर मैं इसे आती हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे इंटर होती है, मैं वापस इसे छोड़ कर आ जाती हूँ। आ जाओ तमन्ना, आ जाओ। बेचारी क्या कहते उसको, दहलीज दहलीज पे बैठी हुई है, दहलीज ही नहीं पार कर पा रही। मतलब माशाल्लाह तमन्ना की बहुत ही खूबसूरत यादें इस मग में ना कैप्चर हो गई हैं। तमन्ना आपकी ये वाली तस्वीर ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये जब मैं 8 साल की थी तब की, 9 साल की थी तब की। ये वाली भी प्यारी है, तो इन मग्स को ना मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इसके अलावा ये वाले मग भी थे मेरे पास काफी टाइम से, इनको भी मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा जब हम जाएंगे ना अपने नए घर में तो वहाँ पर मैं रखूंगी ऐसे कलरफुल। एक ये ऑरेंज था, एक येलो, एक ये सी ग्रीन में था और एक ये था ब्लू में। हानिया भी उठ के आ गई है और यहाँ पर हानिया को मैं भी नाश्ता देने लगी हूँ। ये पकड़ो, ये कैसा अंडा है, अब खाओगी फिर पता चलेगा ये कैसा अंडा है। पहले खा तो लो, बैठ के देखने के लिए गौर से कि कैसा अंडा है। ये देखो कौन आ गया आपके पास, ये नया मेहमान आ गया हमारा, देखा है क्यूट सा बेबी आ गया हमारा, इसने भी खाना खाना है। मुस्तफ़ा को भी दे दिया नाश्ता, मुस्तफ़ा भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। हानिया वहाँ पर बैठी थी, वहाँ से उठ के घर आ गया मुस्तफ़ा के पास, और मलाक अपनी चहल पहल में बिजी है। बर्तन सारे हमने सेट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिंग बस ऐसे की है आर्जी तौर पर, फिर आराम से बाद में मैं इंशाल्लाह अपने तरीके से सेट करूंगी। फिलहाल जो है ना हमने बस कर्टन खाली करने की है कि जल्दी से कर्टन खाली हो जाए और सारे बर्तन जो है ना वो हमारे एक साइड पर हो जाए ताकि अगर मैं कुकिंग करूँ तो मुझे आसानी हो बस। तो यहाँ पर ये कर्टन है जो हमने अभी सारी खाली की है, सारे बर्तन अभी अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सेट कर दिए। बहुत सारे बर्तन थे, लग ऐसे रहा है कि जैसे थोड़े बर्तन थे लेकिन बहुत ज्यादा थे, थक तो काफी गए हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बस ये वाला काम हमारा खत्म हुआ। खैर बाद में फिर अपने तरीके से मैं किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल जो है ना वक्ती तौर पर ये सेटिंग बहुत जरूरी थी कुकिंग के लिए। रोज ना मेरी बच्ची के साथ ना कुछ ये करते रहते हैं, कभी उसको कैट बना दिया, कभी क्या बना दिया, वो ऐसे खुश होती रहती है। अब बहुत खुश हो कैट बन के, बाल लगाने की जरूरत है, अभी लगा देती है ना। किचन की सेटिंग होने के बाद हस्बैंड को कॉल की थी मैंने कि कल जुमा का दिन है और घर पे बखूर नहीं है, हमारे पुराने घर से बखूर जो है, हाँ बखूर जो है ना वो खत्म हो चुका था, इसलिए फिर मैंने कहा कि कल जुमा है तो हमारा पहला फ्राइडे होगा यहाँ पर, तो घर में बखूर होना चाहिए। तो अभी वो आ गए, आए तो लेट है लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, तो जाके देखती हूँ अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो। मिल तो जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो है ना मैं जो भी लेती हूँ ना वो फिर मुझे वो सूट नहीं करता, जैसे मेरे सर में दर्द होने लगता है परफ्यूम की वजह से भी और अक्सर बखूर की वजह से भी, इसलिए मैं उसको सूंघ के तो मैं लेती हूँ जैसे बिल्कुल ना हल्की सी खुशबू हो वो मुझे अच्छा लगता है घर में। तमन्ना यहाँ से घूम के ना वहाँ से घूम के उधर जाना पड़ेगा, उस साइड पे होगा बखूर, इधर आओ यहाँ से चलते हैं इस साइड से। अभी ने मैंने तमन्ना को कहा है कि यहाँ पे ब्रश देखो जिनसे विंडोज साफ होती है ना वो मुझे चाहिए थे। नहीं नहीं ये वाले नहीं है, बिल्कुल जैसे ब्रश होते हैं ना टूथ ब्रश होते हैं वैसे होंगे लेकिन वो थोड़े जो है ना बड़े होते हैं। नहीं है यहाँ पे, चलो ये रहे तमन्ना, मिल गए हैं, मिल गए हैं। अब यहाँ से ना मैं देखती हूँ कि जो खुशबू हल्की हो ना वो वाले मैं लूंगी क्योंकि बखूर में जो अक्सरियत है ना खुशबू की वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वैसे इसकी अच्छी है, ये पहला है जैसे मैंने इसको चेक किया है ना तो इसकी खुशबू मुझे काफी हल्की भी लगी है और ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग को भी ऐसा सुकून देती है ना जो खुशबू वो वाली थी। लेकिन ये अभी दूसरा मैंने चेक किया, यहाँ से अभी मैं चेक करती हूँ बखूर की लकड़ी जो होती है ना ये वो है। यहाँ से मैंने देखी है, अभी सारे तो खैर नहीं देखे, कुछ देखे हैं, यहाँ से देख लेती हूँ, बहुत तेज है। तो फाइनली ये वाला जो है ना सिलेक्ट हुआ है, ये मुझे पसंद आया, लेकिन ये जो है ना ये ओपन था और हाफ है जैसे पहले से चेक हुआ पड़ा होता है ना वैसे है। तो अभी तमन्ना को मैंने कहा है कि यहाँ से ना सामने से निकाल के दो इस जैसा, अब पता नहीं है भी इस जैसा कि नहीं, तमन्ना ये पकड़ो। खैर हमें यहाँ से नहीं मिला तो अभी हमने एक भाई को बुलाया है कि हमें यहाँ से ढूंढ के दें, तो उन्होंने अब किसी और को बुलाया है, वो आएंगे और हमें यहाँ से निकाल के देंगे। जो मुझे पसंद आया खैर वो तो नहीं मिला, एक ये वाला हमने ले लिया और ये वाला लिया और एक जो है ना ये वाला ले लिया, ये पकड़ो तुमने।
जब मैंने स्टोव क्लीन किया था तो इस स्प्रे से किया था और मुझे काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि इसका नाम क्या है और ये कौन सी स्प्रे है। तो इसका नाम मोवी ओवन क्लीनर है और इसी से मैंने स्टोव साफ किया था और माशाल्लाह काफी बेहतर साफ हो गया था इससे। हमारे आज के ब्लॉग में आप सबने देखा कि किचन की सेटिंग थी और बस काफी टाइम लग गया उसको साफ करते करते और फिर बर्तन रखते रहते बहुत सारे बर्तन थे, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि अब हम इसमें कुकिंग कर सकते हैं, यानी जिस टाइम भी मैं यहाँ पर आऊँ सब कुछ यहाँ पे तैयार है। तो खैर इसी के साथ हमारे आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करने लगे। अगर हमारा आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।